आज जो हमारा टॉपिक था जो पिछले हफ्ते हमने डिसाइड किया था दैट वाज सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इसमें जो हम अगर अपने मौजूदा पैटर्न की बात करें जो MRCOG के पैटर्न पे अब चल रहा है तो उसमें इसकी बहुत कोर इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ. इसमें मेरा ख्याल है इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको आया होगा, कोई क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किया है पिछला और जो वो दे कैन शेयर विद अस. जी, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आपके पिछले ऑस्पिस स्टेशंस में आया हो. चलो इसको हम इस तरह से शुरू करते हैं कि इसका मतलब आप लोगों के जहन में क्या है, इससे आप क्या मतलब लेते हैं. इट इज मेंट बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ. Is it one and the same thing or different? Okay, एक आंसर आया कि HIV वाला सिनेरियो आया था. HIV भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां पे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात करते हैं तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जुमरे में ही आता है. That is one aspect of the reproductive health. But what is your general understanding of this module? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो हम बात करते हैं तो इस डोमेन में क्या क्या आता है, इस डोमेन में क्या क्या आएगा और आपको इसकी प्रेपरेशन किस तरह से करनी है. कॉन्ट्रासेप्शन भी आएगी. जी, कॉन्ट्रासेप्शन. जी, कॉन्ट्रासेप्शन आएगी. मतलब इसमें और जितने भी वजाइनल डिस्चार्ज हैं इंक्लूडिंग STI तो कुछ डोमेन्स हैं जो कि हैं उसमें, लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ चीजें शामिल होती हैं मैम? कुछ सेक्स पेशेंट के साइकोलॉजिकल इश्यूज रिगार्डिंग सेक्स कोइटस. ठीक है. लाइक डिस्पायोनिया, वल्वोडायनिया, लैग, लॉस ऑफ लिबिडो, कोइटल फ्रीक्वेंसी. यानी आप यूं समझ लें कि एनी सेक्सुअल डिसफंक्शंस, दिस ऑल विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ सेक्सुअल हेल्थ. ठीक है, तो इसमें जो भी इसमें आगे से मजीद डिफरेंट सब टाइप्स हो जाती हैं, लेकिन और क्या इसमें चीज शामिल है? और इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विच इज सो कॉमन नाउअडेज इज डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस हो या जेंडर बेस्ड वायलेंस हो या वर्क प्लेस हेरासमेंट हो या ये इंटीमेट पार्टनर वायलेंस हो, दिस ऑल कम अंडर द हेडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो जो सेक्सुअल असॉल्ट वाली चीजें हैं दिस बेसिकली इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस वायलेंस. ये उसकी एक एक्सटेंशन फिर होती है कि जिसमें मजीद जब एक स्टेप अहेड चला जाता है तो वो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के उसमें कैटेगरी में आ जाता है. तो ये तो है उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट. उसमें जो बेसिक्स हैं उसके, जो इसके रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के बेसिक्स हैं, सबसे पहले तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हीं प्रिंसिपल्स पे आपने अपना क्वेश्चन बेस करना होता है. तो उसको हम जरा देख लेते हैं कि उसको जो है वो आपने उसको किस तरह से करना है, क्योंकि अब जो जो है इसकी ट्रेनिंग एक बहुत असेंशियल हिस्सा समझी जाती है गायनेकोलॉजिकल ट्रेनिंग में. यही वजह है कि इसमें इस क्वेश्चंस का शामिल करना एक इम्पॉर्टेंट उसका एक कंपोनेंट हो जाता है. तो बिकॉज दिस इज वेरी इंटीमेटली रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ फीमेल, तो उसमें जो है कि अब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली चीजें हैं ये एडोलेसेंस के बाद ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती हैं. इवन द एडोलेसेंट गायनेकोलॉजिकल इश्यूज एंड देयर साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑल्सो कम अंडर दिस हेडिंग, वो भी सारे इसमें आ जाते हैं. और इसके बाद जो है वो सारी जो रिप्रोडक्टिव एज से रिलेटेड सारी चीजें जो हमने भी मेंशन की वो सब के सब इसमें आ जाएंगे.
तो इसको हम जरा थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं जी। आगे जरा स्लाइड इसमें कर दीजिए शेयर, किसी को हाँ से आपको भेजता है। तो जो आपका जो स्टेशन आया था, जैसे एक कभी किसी ने टाइप किया कि डोमेस्टिक वायलेंस का था, वो क्या केस था? What was that case? मैडम पेशेंट पे ब्रूसेस बने हुए थे। मैम इट वाज द केस कि एक पेशेंट है, शी इज 36 वीक्स प्रेग्नेंट एंड शी एंटर्ड योर रूम, डॉक्टर्स रूम एंड वाइटली शी स्टेबल, बीपी पल्स टेम्परेचर मैम सब कुछ उसका ठीक था एंड शी इज वेयरिंग अ ब्लैक ग्लासेस। तो यस मैम, तो योर हाउस ऑफिसर्स टोल्ड यू ऑल दीज वाइटल्स आर स्टेबल एंड वो एंड देन प्रोसीड, हाउ यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स दिस केस? जॉइंट पेन भी था, इस पेशेंट को जॉइंट पेन था। अच्छा तो मैम और उसके बारे में यानी कि कुछ नहीं था ना? अच्छा कि हाँ जी, तो फिर उस वक्त तो मैम मैंने बिल्कुल पिक ही नहीं किया एट दैट टाइम, क्योंकि मैंने अब देखो ये एक बड़ा एक जो है ना वो एक बहुत टिपिकल चीज है। अब ये डे टाइम पे कोई डार्क ग्लासेस पहन रहा हो और वो जबकि रूम के अंदर एंटर हो रहा है तो उसमें एक बहुत अबनॉर्मल चीज है। अब इसमें बाद दफा ये एक इवन नॉट ओनली फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस बट इवन फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट तो फिर एक एक्यूट क्राइसिस हो जाता है। लेकिन ये है कि इसमें अगर पेशेंट डार्क ग्लासेस पहन के रूम में एंटर हुआ तो क्या आपको इसमें अजीब बात कोई नहीं लगी? उसने डार्क ग्लासेस क्यों पहने हुए थे? Sometimes the patient who has been subjected to domestic violence, they behave very differently, बहुत differently, क्योंकि उसमें बार दफा आपको कोई प्रॉब्लम उस तरह की पॉजिटिव फिजिकल फाइंडिंग्स नहीं मिलती, लेकिन उसमें उनका डिफरेंट उनका जो है वो डिफरेंट एटीट्यूड होता है या फिर उनका इस तरह से अनयूजुअल बिहेवियर, यानी अनयूजुअल बिहेवियर जो होता है उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स या उनकी अपीयरेंस में या उनके बोलने में भी इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको फिर शेयर भी कर लेना सबके साथ। तो इसमें बहुत सारे ऐसे वार्निंग सिम्टम्स और साइंस होते हैं जो हो सकता है पेशेंट आपको बताए भी ना। इस वजह से यही ट्रेनिंग आप लोगों को चाहिए होती है और यही इसमें बेसिकली इसमें सबसे पहले हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की जरूरत है कि व्हाट एक्चुअली आर द मार्कर्स, आर द क्लिनिकल स्टिग्मास, आर द क्लिनिकल मार्कर्स by which you can identify a victim of domestic violence or of sexual assault. तो ये क्योंकि बार दफा पेशेंट आपको खुद कुछ नहीं बता रहा होता, वो टोटली जो है वो डिनाइल फेज में होता है या वो आपको उस तरह से ओपनली कुछ चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर रहा होता। माइट बी कि उसका थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलपमेंट आपके ऊपर ना हो। इसी वजह से सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है with such patients, जो कि डोमेस्टिक वायलेंट, क्योंकि डोमेस्टिक डिपेंड करता है एक्यूट क्राइसिस है या क्रॉनिक है। एक पेशेंट है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के छोटे मोटे एपिसोड होते रहते हैं और एक वो है जिसको फर्स्ट टाइम हुआ, द रिएक्शन विल बी वेरी डिफरेंट बट द कॉन्सिक्वेंसिस समटाइम्स कैन बी वर्स इन द क्रॉनिक, जिसमें साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस।
तो इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब हम कहते हैं तो ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज से ही नहीं कि जिसमें या डिलीवरी से ही रिलेटेड नहीं होता, वुमन तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारा हमारी अंडरस्टैंडिंग यही होती है, बट दिस इज नॉट ओनली लिंक्ड विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन इसके अलावा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग भी, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इसमें ये शुमार होती हैं। तो इसके कंपोनेंट्स में ये हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया हुआ है, ऑलमोस्ट आपने सारी चीजें कवर कर ली। फैमिली प्लानिंग तो है लेकिन उसमें बहुत सारी अनमेट नीड्स होती हैं, वेयर द पीपल नीड इट दे डोंट गेट इट, यानी जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है हु आर नॉन कंप्लायंट और हु आर इन नीड ऑफ दिस कॉन्ट्रा, रियल नीड ऑफ दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उनकी अनमेट नीड्स। इस वजह से अनप्लान्ड प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इनटू अनसेफ अबॉर्शंस, और जो कि इन टर्न डायरेक्टली जो है वो फिर दैट इज अ रीजन फॉर मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। सेफ मदरहुड भी, जिसमें एंटीनेटल सेफ बर्थ और उसके बाद पोस्टनेटल मैनेजमेंट और इसके अलावा न्यूबॉर्न हेल्थ भी, दिस आल्सो कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ दैट। फिर उसके बाद STI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, HIV एड्स का तो बहुत एक बड़ा डायलेमा है, ये सारी चीजों की डिटेक्शन, स्क्रीनिंग एंड द मैनेजमेंट। फिर एडोलेसेंट एंड यूथ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एडोलेसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब सेगमेंट है गायनेकोलॉजी का, क्योंकि जो एडोलेसेंट इश्यूज होते हैं दिस इन टर्न लीड टू द लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं दैट कैन बी लिंक टू और दैट कैन लीड टू सर्टन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इनकी इनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एडोलेसेंट्स की और यूथ की बिफोर एंट्रिंग इन टू द एक्चुअल रिप्रोडक्टिव लाइफ। और उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस, और जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाती है, जिसमें सेक्शुअल असॉल्ट भी आ जाते हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। तो ये इन सारे कॉम्पोनेंट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से आ सकता है, और इसके बहुत सारे जो है फॉर्मेट हो सकते हैं इन क्वेश्चन के। जैसे एक फॉर्मेट हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें जो पेशेंट आया और उसमें बजाहर वो शीज ओके, अदरवाइज कोई उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका एक बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर है बाय वेयरिंग द डार्क ग्लासेस इन डे टाइम एंड व्हाइल शी इज प्रेजेंट विद इन द रूम, तो वो एक चीज है। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं होता, बट दिस इज लिंक्ड विद द कम्युनिटी हेल्थ। ये एक जो है वो पूरा एक कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड चीजें ये आ जाती हैं। तो इसमें जैसे इंक्रीजिंग मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, हमारी कंट्री में जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी काफी ज्यादा है। अब चाहे इसमें रिपोर्टिंग हो कि ये कम हो गई, लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी इन द रिमोट एरियाज इट्स मच मच हायर देन एज हैज बीन रिपोर्टेड, क्योंकि उसकी अंडर रिपोर्टिंग होती है। फिर चाइल्ड मैरिज इज अनदर इशू, टीनेज प्रेगनेंसीज, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज है, अनमेट नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये सारी वो चीजें हैं जो कि पब्लिक हेल्थ से फिर कंसर्न होती है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें ये कॉम्पोनेंट हो सकते हैं। बट ऑल दिस लीड्स टू इन टर्न लीड्स टू इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी हेल्थ, और ये वो सारे कॉम्पोनेंट्स वो हैं जो हमने पहले कॉम्पोनेंट के तौर पर डिस्कस किए। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो चीज अब है, इसकी बहुत सारी शक्लें होती हैं, ये सिर्फ वो नहीं जो सिर्फ मार पिटाई ही हो, वो तो एक थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, या किसी वेपन का यूज या मर्डर कर देना, ये वो बहुत एक्सट्रीम वाली चीजें हैं। बट लेस देन दैट इट कैन बी ड्यू टू मिसबिहेवियर फ्रॉम द मेल टू द फीमेल, ये एक कॉमन है, बिकॉज बींग अ फीमेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन आवर सोसाइटी एज वेल। वेस्टर्न में भी यही वाले रूल्स अप्लाई होते हैं, तो क्योंकि वीमेन आर अ सॉफ्ट टारगेट, वीमेन एंड द चिल्ड्रन आर अ सॉफ्ट टारगेट, तो इस वजह से जो है वो अगरचे डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो ये हम अपनी स्पेशलिटी में फीमेल से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन अगर इसकी आप ब्रॉडली अगर आप बात करें तो इसमें मेल्स भी आ जाते हैं, बट हियर वी विल डिस्कस ओनली द फीमेल्स। तो फीमेल्स आर अ वीक टारगेट, तो इसमें थ्रेटनिंग बिहेवियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल अपसेट्स हो सकते हैं, यानी आप किसी को जो है वो उसका मिसबिहेवियर करते जाएं, दैट विल रिजल्ट इन टू द साइकोलॉजिकल अपसेट्स।
फिजिकल जो एक्चुअल जो फिजिकल ट्रॉमा होता है वो सारी चीजें, सेक्सुअल असॉल्ट है, इवन फाइनेंशियल जो है वायलेंस वो भी एक आ जाती है कि इसमें आप इफ वुमेन रनिंग अ हाउस लाइफ, या उसमें अगर इफ शी इज डिप्राइव्ड ऑफ द मनी एंड शी कैन नॉट रन होम, शी कैन नॉट फीड हर बेबीज, देन दैट इज अ फाइनेंशियल वायलेंस. या फिर इमोशनल भी होता है जब आप उसको बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं, वर्बल अब्यूज होता है. तो ये अमूमन बिटवीन अ वुमन एंड गर्ल एंड हर पार्टनर या कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है. डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, यानी घरेलू तशद्दुद. अब घरेलू तशद्दुद में सबसे ज्यादा कॉमन तो हस्बैंड का ही रोल होता है, और लेकिन इसके अलावा बाकी फैमिली मेंबर्स भी इक्वली इसमें हो सकते हैं. और ये खास तौर पे उन केसेस में होता है फेयर द हस्बैंड इज लिविंग अब्रॉड एंड द अदर फैमिलीज आर मिसबिहेविंग विद द वाइफ ऑफ दैट मेल, जो कि घर पे जो होती है अकेली, वो उसके साथ मिसबिहेवियर, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. तो इसकी मुख्तलिफ शक्लों को, क्योंकि इनमें से किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि साइकोलॉजिकल या उसमें इसमें किसी भी फॉर्म में, सिर्फ ये नहीं कि मार पिटाई हो, और वो तो हमने बात कर ली कि वो एक एक्सट्रीम फॉर्म है, लेकिन इसमें किसी भी फॉर्म में हो सकता है. तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि वो दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ वायलेंस. तो जहां तक डोमेस्टिक वायलेंस है, व्हाई द गायनेकोलॉजिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट, बिकॉज कोई दूसरा इसको डायग्नोज नहीं करता. अब हम ये कहें कि ये कोई सर्जन या एक मिनट जरूरी जरा कॉल सुन लो ये सब. ठीक है, नहीं फिर गो फॉर सेक्शन, हाँ फिर उसका ठीक है. तो इसमें हम सर्जन या किसी फिजिशियन को तो नहीं कहते कि कभी कभी रेयरली वो कर सकते हैं डायग्नोज, क्योंकि एक हमेशा जो खातून जो अफेक्टेड फीमेल्स होती हैं या विक्टिम जो होते हैं वो ज्यादातर फीमेल डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, एंड फीमेल डॉक्टर ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट का ही इसमें रोल होता है, बिकॉज दे मे बी द विक्टिम्स फर्स्ट एंड द ओनली कॉन्टेक्ट. तो यही वजह है कि गायनेकोलॉजिस्ट को इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कॉम्प्रीहेंसिव होना जरूरी है, क्योंकि वो उसके, जैसे आपने जो केस डिस्कस किया कि उसने डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मार्कर था. तो अगर आपने ये इसको इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को देखा होता तो डेफिनेटली आप उसके डार्क ग्लासेस पहनने से ही समझ जाते, अनलेस के उसको कोई फोटोफोबिया है या उसको कोई आई प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोग उसमें जो बहुत एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस होता है उसमें वो कर लेते हैं. बट इफ देयर इज नथिंग लाइक दैट, तो उसके बाद यही पॉसिबिलिटी है कि सम हाउ शी इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग, शी मे बी ट्राइंग टू हाइड हर जो उसमें आई ब्रूजिस हैं उसको, या फिर उसके अपने टीयर्स को, या इस तरह की कोई चीज उसको हाइड करने की कोशिश कर रही होती है. और उसमें उनका बहुत डिनाइल फेज में होता है कि जिसमें वो हर चीज को इनकार कर रही होती है. ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो बाज दफा बगैर किसी वजह के डॉक्टर के पास बार बार चक्कर लगा रहे होते हैं, या बाज दफा ऐसा भी होता है कि एक पेशेंट के साथ आप बात कर रहे हैं और आपने फर्ज किया उसमें आप पेशेंट के साथ आइसोलेशन में बात करना चाहते हैं, बट हर हस्बैंड इज नॉट रेडी टू लीव हर अलोन, दैट शुड रेज अ सस्पिशन कि वाई दिस इज सो. तो इस वजह से और बहुत सारे वीक सिम्टम्स हो सकते हैं, बहुत सारे वीक सिम्टम, जैसे बगैर किसी वजह के एब्डोमिनल पेन हो सकती है आपके उस केस में, जैसे वो जनरलाइज्ड बॉडी एक्स एंड पेन्स हैं जो बज़ाहर आपको उसकी कोई वजह नजर नहीं आती. सो ये वाली चीजें हैं जिसपे आपकी आपको सबसे पहले शुबा हो जाना चाहिए कि यस दिस मे बी द वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, सो यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स अकॉर्डिंगली. अब जो जो हम बहुत ज्यादा जो जिसपे हम बार बार जो बात कर रहे हैं कि जिसमें हम गायनेकोलॉजिस्ट को ट्रेन होने की जरूरत है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ हिडन केस, क्योंकि जो बजाहर जो द पेशेंट्स कम बीटन अप और उसमें ब्रूजिस हैं या उसके कुछ इंजरीज हैं और ये क्लियरली आपको बता देती है कि मुझे फलाने ने मारा पीटा और लाइक दैट, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज वेयर एवरीथिंग इज हिडन, पेशेंट हिस्ट्री नहीं देता आपको,
लेकिन कुछ उसके सिम्टम्स हैं जो कि आउट ऑफ जो है वो उसमें उसकी एक्चुअल सिचुएशन से होते हैं. तो इसमें डिप्रेशन हो सकती है विदाउट एनी रीजन, एंग्जाइटी हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो इसमें जैसे ट्रॉमा हुआ और उसके बाद ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ये सारी चीजें होंगी जो हम अभी स्लाइड पे देख रहे हैं. यानी ये सारी चीजें भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ये उसका हिस्सा होती है. या पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, या ऐसी कोई हिस्ट्री दे, या उसके घर वाले बताएं कि इसने अपने आप को ये किया या वो किया, तो भी वो. तो अनलेस शी इज अ नॉन केस और शी इज अ नॉन साइकोटिक पेशेंट, क्योंकि ये सारी चीजें रिजल्ट है उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो कि किसी असॉल्ट के नतीजे में, जो किसी वायलेंस के नतीजे में हुआ. तो ये तो सेकेंडरी नॉन सेट है, बट सम पेशेंट्स आर प्राइमरीली साइकोटिक जो कि बाद फैमिली हिस्ट्री होती है. तो इसमें हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. फिर अनएक्सप्लेन क्रॉनिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जेनिटो यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं. ऑफ एंड ऑन जो है वो उसको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, अनएक्सप्लेन वॉमिटिंग हो सकती है, जो जो मेडिसिन के साथ ट्रीट भी नहीं हो रही होती, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है कि मेंटल हेल्थ इज एसोसिएटेड विद द फिजिकल हेल्थ. तो बहुत सारे जो फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 70% का ओरिजन तो आपकी साइकी से ही होता है. और इसी तरह से अनएक्सप्लेन क्रॉनिक पेल्विक पेन है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, एडवर्स रिप्रोडक्टिव आउटकम. बाज दफा वो पेशेंट आते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जस्ट फॉर नो अदर रीजन. एंटीनेटल केयर के लिए पेशेंट जल्दी नहीं आते, या एडवर्स बर्थ आउटकम्स हो जाते हैं, यानी उसमें रिपीटेड अबॉर्शंस हैं, या फिर उसमें आपको लगता है कि उसमें वजाइनल ब्लीडिंग वाले केसेस, इस तरह की सारी चीजें. और रिकरेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, रिकरेंट वजाइनल डिस्चार्ज, तो ये भी एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है. दो डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट द सोल रीजन फॉर एसटीडीज, इसमें इसमें बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, लेकिन चूंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है फॉर वायलेंस, तो इसलिए हम इसको ओवरलुक हमें नहीं करना चाहिए. फिर उसके अलावा ऑफ एंड ऑन हेडेक है, बाद दफा परसिस्टेंट भी होती है, कोई और वजह इसमें हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते. कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, याद नहीं रख सकती वो चीज़ों को, भूल जाती है, या इधर उधर उलट पुलट काम करती है, हेयरिंग लॉस समटाइम्स बगैर किसी फिजिकल एक्चुअल रीजन के, रिपीटेड हेल्थ कंसल्टेशन विद नो क्लियर डायग्नोसिस. यानी हमें इन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे वजह कोई नहीं मिलती, और हम अमूमन जो हम कहते हैं ना कि ये पेशेंट फंक्शनल है, समटाइम उसको फंक्शनल कहना बड़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि फंक्शनल तो तब होता है जब हमें उसके पीछे कोई एनाटॉमिकल कोई पैथोलॉजिकल रीजन नहीं मिलती. वो हम इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ लिंक कर देते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की भी तो कोई वजह होती है, तो उसको फिर हमें देखना चाहिए. तो रिस्क फैक्टर्स में बीइंग अ फीमेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, ये तो अपनी जगह है ही है. लेकिन रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे लेवल्स पे होते हैं. इंडिविजुअल में अगर किसी का कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जैसे बाद दफा जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, कैन बी इनहेरिटेड, तो फैमिली हिस्ट्री अगर हस्बैंड की ऐसी है, एंड द हस्बैंड हरसेल्फ इज हैविंग सम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो थिंग्स कैन हैपन लाइक दैट. फिर यंग एज है, जितना यंग एज होती है उतने ही ये प्रॉब्लम्स, जैसे एडोलेसेंट्स में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसमें फैमिली सपोर्ट और वो वाली चीजें नहीं होती, वहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का बहुत ज्यादा फिर रोल हो जाता है, क्योंकि वो एक बहुत वल्नरेबल एज होती है. तो वल्नरेबल एज पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जिनकी बहुत यंग एज मैरिजेस हो जाती हैं अमूमन उसमें भी ये मसले देखने में आते हैं. रिलेशनशिप फैक्टर्स, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, शुरू से ही एक बंदा शादी नहीं करना चाहता, मर्जी के खिलाफ शादी होगी, फिर उसके बाद ये चीजें वो चल पड़ती हैं. और द रिलेशंस आउट ऑफ मैरिज, इंस्टेबिलिटी, मैरिटल इंस्टेबिलिटी, कम्युनिटी फैक्टर्स, पॉवर्टी, कल्चरल नॉर्म्स इन अ कम्युनिटी, या जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनका एटीट्यूड. एंड इलिटरेसी इज अनदर इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी फैक्टर. जो जहालत होती है वो बहुत सारे और ज्यादा प्रॉब्लम्स को कल्टीवेट करती है. सोसाइटियल फैक्टर, कुछ सोसाइटीज में इसको एक नॉर्म समझा जाता है.
खवातीन को या बच्चों को मारना पीटना एक उसमें उस सोसाइटी के हिसाब से एक नॉर्म होता है, तो वहां पे इस चीज को बुरा नहीं समझा जाता। जैसे कुछ विलेजेस वगैरह में या कुछ ट्राइब्स वगैरह में भी ये वाले कल्चरल नॉर्म्स होते हैं। तो कैसे हम अब यूजर जो हैं वो, एक तो हमने देख लिया कि किस किस फॉर्म में ये हो सकता है, लेकिन जो अब यूजर है वो क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। डोमिनेट होता है, जैसे हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी तो है, सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो ह्यूमिलिएशन है, आइसोलेशन है, थ्रेट्स हैं, इंटिमिडेशन है। इंटिमिडेशन होता है किसी को धमकी देना, धमकाना, डराना, डिनाइल एंड ब्लेम, ये कहना कि ये मेरा तो कसूर नहीं, तुम्हारा ही कसूर है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और उसके बाद फिर ये कैसे अफेक्ट करता है एक फीमेल को, फिजिकल इंजरी एक्चुअली हो सकती है जिसमें सारे निशानात और ये सब चीजें। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उससे रिलेटेड एबॉर्शन, प्री टर्म लेबर, एब्रप्शियो प्लेसेंटा या यूट्राइन रप्चर, ये सब चीजें हैं जो उसका एक आउटकम हो सकता है। क्रॉनिक पेन, जीआईटी एंड जेंटो यूरिनरी सिस्टम, अभी ये हम थोड़ा सा ब्रीफ सा पहले वो कर लें, फिर उसके बाद दो सिनेरियो भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें एक्चुअली क्वेश्चन आते कैसे हैं और उनको आंसर कैसे करना होता है। तो ये एक आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जस्ट एनहेंस करने के लिए है ये थोड़ा सा, कि ये आपको पहले समझ आ जाए। फिर क्रॉनिक पेन, जीआईटी, ये सब चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली, कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो वो क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो हमें ये डोंट्स में आता है, ठीक है, कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के करने से हम उसके लिए खतरात को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं। तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को वायलेट करें, यानी उसको इसको अलहदा से बैठा के उसकी हिस्ट्री ना लें, प्राइवेसी ना मेंटेन करें, इसी तरह से उसकी मिनिमाइज करें उसके अब्यूज को, कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो ऐसा होता ही है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, ये ऐसा होता ही है, लिविंग द विक्टिम, के हो सकता है तुमने कुछ ऐसा किया हो। ये माइक जरा म्यूट कर दें प्लीज जिसका भी है। ब्लेमिंग द विक्टिम, यानी इसमें हो सकता है तुम्हारा कसूर हो, तुमने इनिशिएट किया हो, दिस इज लाइक ब्लेमिंग द विक्टिम। नॉट रिस्पेक्टिंग हर ऑटोनमी, यानी अगर आपने कोई डिसीजन लिया कि अच्छा तुम्हारा केस तो पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए या हेल्पलाइन पे कॉल कर देना चाहिए, दिस इज जो है उसकी ऑटोनमी की हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। शी शुड इक्वली बी इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग। इग्नोरिंग हर नीड फॉर द सेफ्टी, शी माइट बी इन अ रियल डेंजर, उसको लाइफ थ्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने उसको ओवरलुक कर दिया, उसको रेफर नहीं किया, तो ये इग्नोरिंग हर नीड फॉर सेफ्टी है, ये हमारे पार्ट पे ये जिम्मेदारी आ जाती है। एंड नॉर्मलाइज विक्टिमाइजेशन, अगेन द सेम थिंग, that this victimization may be abnormal between husband and wife relationship, so this is normalizing a bad thing. So what we can do, so hame ye wo do's hain, pehle humne dekhe ki hame kya nahi karna chahiye. So we have to respect confidentiality, always talk with the patient in isolation, uski privacy ko ensure kare, uske liye koi aapke paas jagah aisi honi chahiye jahan pe aap uske sath face to face baith ke baat kar sake, uska wo trust aapke upar develop ho sake, rapport building kare. Believe and validate her experience, jo wo kehti hai us pe yakeen kare, us pe usko matlab undo na kare. Acknowledge the injustice, usko bataye ki yes this is wrong, what has happened to her is wrong, it should not happen. Respect her autonomy, jo decision le police ko call karna hai ya hotline pe जो उसको अगर वो करना है उसको कॉन्टेक्ट करना है तो उसको पहले उस डिसीजन में शामिल करें। माइट बी शी डजंट वांट टू कम इनटू द पिक्चर, और क्योंकि उसके लिए उसके बाद अगर उसके घर वालों को पता चला इसने क्या यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया, उसके लिए खतरात बढ़ जाएंगे। हेल्प हर प्लान फॉर द फ्यूचर सेफ्टी, इफ शी हैज अ प्लेस, एनी अदर प्लेस वेयर शी कैन गो इफ शी फील्स एनी डेंजर या कोई लाइफ थ्रेट्स हो तो, या वो अपने और अपने बच्चों को महफूज कर सके। प्रमोट एक्सेस टू कम्युनिटी सर्विसेज, उसको बताना चाहिए कि कहाँ वो कॉन्टेक्ट कर सकती है और कहाँ पे लोकली रेफरल सिस्टम्स होते हैं। सो इन पंजाब वी हैव दिस हेल्पलाइन, और पूरे पाकिस्तान में से रिलेटेड अगर कोई हेल्पलाइन हो तो वो ये दोनों लाइनें हैं जो हम पेशेंट्स को कह सकते हैं कि टाइम्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे जो रोल ऑफ मेडिकल पर्सनल होता है, जो आपके स्टेशन बेसिकली आते हैं, उसमें आपने डिटेक्ट करना है, प्रिवेंशन तो बाद की बात आ जाती है, एंड टाइमली एंड इफेक्टिवली इंटरवेंशन, जिसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हमने अभी डिस्कस करने हैं. बट द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रेनिंग द हेल्थ प्रोफेशनल्स इन स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस एंड देयर रिहैबिलिटेशन. तो सिर्फ आपको डिटेक्ट जो है वो करके ही बात खत्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो उसको डिटेक्ट माइक ऑफ करें प्लीज. बेटा माइक जरा म्यूट कर दीजिए ताकि बाकी सब डिस्टर्ब ना हो. एक ये मैसेज आ रहा था कि हेल्पलाइन का लाइन ये है, वो आप इसको देख लीजिए दोबारा. पंजाब के लिए है 1043 और पाकिस्तान के लिए है, होल पाकिस्तान के लिए 1099. ठीक है, और ये भी आपको पता होगा, अब ये बीइंग अ पार्ट टू कैंडिडेट यू मस्ट नो कि हमारा एक डोमेस्टिक वायलेंस बिल भी पास हुआ है जो 2020 में वो हुआ था, और उसके बाद 2021 में पास हुआ फ्रॉम बोथ ऑफ द हाउसेस, पार्लियामेंट और सेनेट से, दोनों से पास हो गया. नाउ इट हैज कम इनटू एक्शन, यानी इस पे पेनलाइजेशन हो सकती है अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वायलेंस, उस पे 20,000 से 1,00,000 तक का जुर्माना और 3 महीने से लेके 1 साल तक की कैद भी हो सकती है. तो ये द विक्टिम्स कैन टेक हेल्प ऑन दीज हेल्पलाइंस, और उनकी सुनवाई होती है, उनकी बात सुनी जाती है, उनको हेल्प होती है. तो बात हम कर रहे थे कि ट्रेनिंग द हेल्थ प्रोफेशनल, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग यू ऑल, के इसमें आपने जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से उनको हेल्प करना है और इंटरवीन कैसे करना है. और उसके बाद सिर्फ ये चीज नहीं, इसी पे खत्म नहीं हो जाती, बल्कि लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन उनको आपने एम्पावर करना है, सो दैट दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन एंड सो दैट दे आर नॉट एक्सपोज्ड फर्दर टू दैट फॉर दैट वायलेंस, चाहे डोमेस्टिक हो, इंटीमेट पार्टनर हो या व्हाटएवर. तो ये सारी चीजें आपने करना होता है. तो लैक ऑफ ट्रेनिंग इसमें बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस होती है. लैक ऑफ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स, यानी आपके इवन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अपने डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल्स भी होने चाहिए, सो दैट इफ अ पेशेंट कम्स लाइक दैट, तो आपके पास हो कि ये साइन सिम्टम के साथ पेशेंट आता है तो आपने इसको ऐसे ऐसे स्क्रीन करना है, ये चीजें आपने करनी है. फिर वो चीज की जब हम उसको रेफर नहीं करते फॉर काउंसलिंग एंड अदर सपोर्टिव सर्विसेज, यानी उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड उसकी कंसल्टेशन, एंड पोर कोलेबोरेशन बिटवीन विद इन द हॉस्पिटल्स एंड बिटवीन द एजेंसीज, यानी ये हमने उसको सारी चीजें जो है वो हमने उसको करनी है. अब सेक्सुअल असॉल्ट की तरफ हम आते हैं, विच इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वायलेंस. तो ये इसमें भी बहुत सारी चीजें फर्क हो सकती हैं. अगर किसी का क्रॉनिक असॉल्ट है, यानी फॉर फ्यू मंथ्स या फॉर फ्यू वीक्स और इस तरह से, बाद दफा ऐसे भी केसेस होते हैं, तो उसमें मोड ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ऑब्वियस नहीं होगा, क्योंकि जो एक एक्यूट क्राइसिस होता है या एक जो रेप का केस होता है उसमें तो बहुत सारी चीजें बड़ी ऑब्वियस होती हैं. एग्जामिनेशन पे, हिस्ट्री पे पेशेंट बड़ी टिपिकल हिस्ट्री दे रहा होता है, बट फॉर द क्रॉनिक केसेस मोड ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ऑब्वियस नहीं होता, ऑब्ट्यूज होता है. तो इसलिए the only the clinicians with the most alert mindset would recognize it. ye cheez yaad rakhe, wo clinician who have the most alert mindset wohi isko recognize kar sakte hain. and the many victims, just like in the cases of domestic violence, they present with medical issues which are directly related to the abuse. अब ये वो देखें डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या हुआ था, उसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए थे, उसमें जो है वो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गई थी. द सेम कैन हैपन इन द केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. सिर्फ ये है कि जो एक्यूट रेप के केसेस होते हैं वहां पे अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो वो भी हमें इसको एड्रेस करना पड़ता है. तो हाउ वी शुड एवेल्युएट, it should be performed by a trained person hamesha. history taking, record keeping bahut zaruri hoti hai, isliye ke ye baad dafa phir further jo legal issues hote hain, jo forensic evidences hote hain, uske liye ye bada important hota hai. aur isme humne bade open ended question puchne hain, kya hua, kaise hua, kahan pe hua, aur ye sari cheeze.
और पेशेंट की लैंग्वेज में बात करें, जजमेंटल ना हो, यानी आपने आपने इसकी जो है वो जजमेंटल नहीं होना होता, यानी आपने ये नहीं देखना होता कि अच्छा ये ऐसे हो गया, इसमें लड़की का कसूर होगा, लड़की ने ये ऐसा ड्रेस पहना हुआ था, लड़की ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी, ये जजमेंटल एटीट्यूड्स होता है। सो यू वी ऑल द टाइम वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल, सिर्फ इसी केस में नहीं, ओवरऑल वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल। क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू अ रेप विक्टिम, What has happened? Detailed nature of the assault. ये पूरा डिटेल में पूछना जरूरी होता है। कभी किसी ने अगर मेडिको लीगल केस अटेंड किया हो कोर्ट में तो उसको पता होगा कि जो लॉयर्स होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें जो है वो डिटेल्ड नेचर, इसमें टाइप ऑफ असॉल्ट था वो पूरा डिटेल में आपने उसने आपने डिस्क्राइब उसमें वो उसे पूछना है। When did it happen? Date and time. Who was involved? ज्यादातर केसेस में अमूमन जो नॉन पीपल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वेयर डिड इट हैपन, ये सारी चीजें वो हैं जो बाद के लीगल इश्यूज में हेल्प करते हैं। एंड हाउ डिड इट हैपन, थ्रेटन्ड हुआ या एक्चुअल वायलेंस थी, वेपन यूज हुआ या ना हुआ, तो ये इसकी बहुत सारी अगेन फॉर्म होती है। राह चलते किसी को उठा लिया या किसी के घर में घुस के हो गए, इस तरह से करके ये सारी चीजें आपने डिटेल ये भी पूछनी होती हैं। इफ विक्टिम वाज हैज वाइप्ड, अब ये वो अब लीगल एविडेंस जो फोरेंसिक एविडेंस होता है ये उससे रिलेटेड चीजें हैं कि इफ द विक्टिम हैज वाइप्ड शावर्ड चेंज क्लॉथ्स ईटन ब्रश्ड, ये सारी चीजें, क्योंकि आपने बकल स्वैप्स भी लेने होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि जो फोरेंसिक एविडेंस था वो तो तकरीबन आपका खत्म हो गया, क्योंकि वो सारी चीजें जो हैं वो नहीं होती, इसीलिए इनके जो अगर क्लॉथ चेंज भी हुए हैं तो वो कम से कम वो आप रिप्रोड्यूस करने पड़ते हैं विदाउट वॉशिंग, क्योंकि उसी के ऊपर से सैंपल कलेक्शन होती है। ऐसे पेशेंट्स में एरियाज ऑफ ट्रॉमा शुड बी असर्टेन, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग मस्ट बी एवेलुएटेड, फिर सारे जो टीयर्स, एक्मोसिस, एब्रेशंस, रेडनेस, स्वेलिंग, सब की सब चीजें, कोई और ट्रॉमेटिक अगर पॉइंट्स हैं तो ये सब की सब चीजें नोट करनी होती हैं, और इसके बाद उसको सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं फ्रॉम द विक्टिम्स क्लोथिंग, स्वैब्स एंड स्मीयर्स फ्रॉम द बकल म्यूकोसा, वजाइना एंड रेक्टम एंड फ्रॉम अदर एरियाज, स्कैल्प एंड प्यूबिक हेयर, फिंगर नेल स्क्रैपिंग्स, होल ब्लड, सिलाइवा सैंपल, ये इतना ये सारों के सारे जो है वो सारी के सारी चीजें जो है ये सैंपल कलेक्शन, इसका भी ताल्लुक है। ये अब आपका जो केस सिनेरियो आता है, फर्ज किया ऐसा कोई एक्यूट विक्टिम है, अब जो क्रॉनिक होते हैं या फर्ज किया किसी को कोई हफ्ता दस दिन हो गए फिर पेशेंट को याद आया और वो आ गई आपके पास या विद एनी प्रॉब्लम, उस वक्त ये सारी चीजें फिर बाईपास हो जाती हैं। आप सिर्फ उसको एसटीडी के लिए स्क्रीन ही कर सकते हैं, क्योंकि फिर एविडेंस तो आप नहीं कलेक्ट कर सकते। सो योर लाइन ऑफ मैनेजमेंट एंड द लाइन ऑफ एवेल्युएशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट एंड फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो, तो इसलिए आपने इसलिए डेट एंड टाइम जरूर पूछा जाता है। बिल्कुल फ्रेश है तो ये सारी चीजें होंगी, नहीं तो फिर उसमें इन सैंपल्स को कलेक्शन की कोई वजह नहीं बन जाती, एक्सेप्ट फॉर स्क्रीनिंग फॉर एसटीडीज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग ही होती है जिसमें ना टेस्ट किया जाता है फॉर क्लैमिडिया एंड गोनोरिया, जो ज्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में आ जाते हैं, एंड एचआईवी आल्सो, जिसके लिए आप फिर सीरम टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए भी और सिफिलिस के लिए भी, तो ये सारे लैब टेस्ट आपने करने होते हैं। और उसके बाद अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल, आप सिर्फ ये सारी चीजें नहीं करते बल्कि अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी करते हैं, और इसमें अब इसमें अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट में एक तो जो विजिबल उनकी तो ट्रीटमेंट है ही है, लेकिन इसमें प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट यानी इमीडिएटली पेशेंट आ गया तो उसमें आपको तो नहीं पता एसटीडी इसको होगा नहीं होगा, लेकिन आपने प्रोफाइलेक्सिस उसको देना है एसटीडी का, सेफ्ट्रैक्सन है, एजिथ्रोसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, मेट्रोनिडाजोल है, एचपीवी वैक्सीनेशन अगर पहले नहीं लगी हुई तो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज मस्ट, फॉर बोथ मैरिड एंड अनमैरिड भी आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दे सकते हैं जो कि हार्मोनल प्रेपरेशन होती हैं, यू ऑल नो दैट। इसके अलावा फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकोसोशल इश्यूज, आप साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन जरूर लेते हैं इसमें, एक्यूट क्राइसिस काउंसलिंग,
काउंसलर के पास आप भेजते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, फॉलो अप केयर होता है कि आपने 2-3 हफ्ते के बाद उसको बुलाना है। अमूमन पेशेंट नहीं भी आते, और जो नहीं आते फिर उनके उन्हीं के लिए ये प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन और प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट उन्हीं के लिए दी होती है, क्योंकि अक्सर विक्टम्स नहीं भी आएंगे आपके पास। लेकिन अगर फॉलो अप के लिए आए तो बाय दैट टाइम जो जितने सैंपल कलेक्शन थे उनकी रिपोर्टें आपके पास अवेलेबल होंगी एंड यू कैन ट्रीट हर अकॉर्डिंगली। और फिर लीगल इश्यूज आ जाते हैं लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन में, वो सब चीजें जो कि हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहे। और सेफ गार्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरल ऑफ द विक्टिम टू शेल्टर प्लेसेस इफ देयर इज अ परसिस्टेंट थ्रेट। तो वहां पे अब व्हाट टू बी असेस्ड एट द स्टेशन। अब जो आपको जो स्टेशन आता है उसमें वही चार जो आपके होते हैं चीजें जो असेस करने वाली होती हैं, इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग आपकी स्किल देखी जाती है, उसमें डिटेल्ड सेक्सुअल हिस्ट्री है, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन है, फॉर्मुलेट अ मैनेजमेंट प्लान, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसमें ये है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में आपको वुमन पेशेंट को भी पता होता है कि हु इज द अब्यूजर, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट में बाद दफा अनआइडेंटिफाइड अब्यूजर होता है। लेकिन अगर वो आइडेंटिफाइबल हो एंड द पेशेंट नोज एंड द विक्टिम नोज, तो उसमें भी उसकी फिर HIV स्क्रीनिंग और सारी ये चीजें देखनी होती हैं। कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड द फैमिली, ये बहुत एक सेंसिटिव सेगमेंट होता है कि अगर अनमैरिड पेशेंट है, एक मैरिड पेशेंट तो इन आइसोलेशन बात कर सकती है, लेकिन अगर अनमैरिड है तो हमेशा इंटरव्यू उसकी मदर या उसके बाकी किसी भी और फैमिली मेंबर के साथ किया जा सकता है। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू इसलिए होता है कि इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन उस तरह के पूछने होते हैं जो मे बी एन अनमैरिड गर्ल इज नॉट एबल टू आंसर, लेकिन पेशेंट हरसेल्फ, विक्टिम हरसेल्फ ही आपको सही सूरत हाल बता सकती है, नॉट एनीवन एल्स, जिसके साथ वो वाक्या हुआ होता है। अमूमन ऐसे वाक्यात के विटनेसेस कोई नहीं होते, तो इसलिए जो है वो पेशेंट जो है वो ज्यादा खुद ही बताएगी। सब्जेक्ट इटसेल्फ, बिलीव, सोसाइटियल परसेप्शंस एंड लेबल्स, यानी इसको कैसा समझा जाता है सोसाइटी में, एंड यू ऑल नो के हमारी सोसाइटी में इसकी परसेप्शन कैसी है। फिर डायग्नोसिस, सेक्सुअल डाइवर्सिटी एंड एज ऑफ मैच्योरिटी आर द अदर थिंग्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इम्प्लीकेशंस फॉर फर्टिलिटी, ये सब चीजें हैं जो कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड हर फैमिली आएंगी। फिर इसके बाद आ जाती है कम्युनिकेशन विद द कुलीग्स, कुलीग्स फ्रॉम जेनिटो यूरिनरी मेडिसिन, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, आप उनकी हेल्प लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी हेल्प ली जाती है वो होते हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जेनिटो यूरिनरी मेडिसिन में किसी हद तक आप खुद भी मैनेज कर लेते हैं, प्रोफाइलेक्सिस आपने उसको दे दी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आपने दे दी, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने कुलीग्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। Applied clinical knowledge, demonstrate the use of critical evidence to manage these patients, including the correct application of laws on abortion and the sexual assault. आपको अपने मुल्क का लॉ पता होना चाहिए कि इसमें सेक्सुअल असॉल्ट हो, इसमें माइनर के साथ है या माइनर होता है जो लेस देन 18 ईयर्स होता है वो माइनर में कहलाता है, और उसके बाद फिर वो एडल्ट में आ जाते हैं, तो उसमें लॉज फर्क है, तो वो लॉ आपको पता होना चाहिए। फिर पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड है, वही अगेन उसकी जो रेफरल टू अस शेल्टर और उसको जो हॉट लाइन्स हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये उसके पेशेंट की सेफ्टी में आ जाती हैं चीजें। अब इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का एक हम स्टेशन डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक आपको पेशेंट का स्टेशन जो है वो इस तरह से आएगा कि उसमें क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह से होता है लिखा हुआ। This is a simulated patient task assessing the following clinical skills. वही चार चीजें जो हैं। अब ये communication with patient and family या communication with colleagues, ये जो है वो ये इसको आप थोड़ा सा change कर सकते हैं, बाकी चीजें वही रहती हैं, क्योंकि बास केसेस में तो आप patient के साथ तो आपने बात, patient तो हर वक्त आपके पास होते हैं, but sometimes communication with the colleagues कोई बहुत important उसकी चीज नहीं होती। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि लेडी 32 इयर्स ओल्ड हैज बीन प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी रूम विद मल्टीपल इंजरीज ऑन हर बॉडी, हर इंजरीज इन्वॉल्व मल्टीपल साइट्स अफेक्टिंग द हेड, बैक, ब्रेस्ट, एब्डोमेन एंड आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ हीलिंग, पेशेंट इज नॉट गिविंग क्लियर हिस्ट्री। अब ये सिनेरियो तो है जो बहुत क्लियर कट है, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जिसमें वो,
लेकिन मसला उन सिनेरियोज में होता है जहां के थोड़ी सी चीजें हिडन होती हैं। जैसे अगर यही पेशेंट होती है लेडी 32 इयर्स ओल्ड हैज बीन प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी रूम जो कि शी इज कंटिन्यूअसली वीपिंग बट शी इज नॉट गिविंग एनी हिस्ट्री एंड शी कंप्लेन्स ऑफ जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स एंड समटाइम्स शी लुक्स हेयर एंड देयर शी इज नॉट मतलब इन कॉन्टैक्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है उसका या वो हैजर्ड इधर उधर की बातें भी कर रही है तो ये सारी चीजें भी उसकी एक फॉर्म हो सकती है। तो ये इसमें किसी तरह से भी ये सिनेरियो आ सकता है। तो इसमें डायग्नोसिस में तो कोई इसमें इशू है ही नहीं है बट द इंफॉर्मेशन गैदरिंग वुड बी हाउ विल यू असेस द अंडरलाइंग कॉज एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है इसको देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड है, बाकी चीजें आपने इससे रिलेटेड खुद लिंक करनी है क्योंकि वो क्वेश्चन में आपसे तो नहीं पूछी गई, हो सकता है पूछी भी जाए कि व्हाट आर द पेशेंट सेफ्टी इश्यूज इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो या फिर इसमें जो अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज है वो आप कैसे उसको करोगे, डिस्क्राइब कैसे करोगे। तो या फिर इसमें ये कि टेक द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, ये भी सिनेरियो हो सकता है। उसमें फिर कम्युनिकेशन स्किल आपकी असेस हो जाएंगी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्लस कम्युनिकेशन स्किल बोथ विल बी असेस्ड इफ यू आर बीइंग आस्क्ड टू टेक हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट एट दैट स्टेशन। तो ये स्टेशन टू स्टेशन जो है ये थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन में ये चीजें हैं जो कि सेक्सुअल असॉल्ट में भी और डोमेस्टिक वायलेंस में भी जो है वो दोनों में ये होती हैं कि बी रीअश्योरिंग सपोर्टिव एंड नॉन जजमेंटल, ये जरूर आपने लफ्ज बोलने, डोंट हेजिटेट टू आस्क, यानी ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपने ये नहीं पूछना कि अच्छा ये मतलब आपने बेसिकली आपने ये उसको पूछना है कि आपके साथ ये किसने ऐसा किया या क्या कोई मार पिटाई हुई है या क्या। तो इस क्योंकि हो सकता है पेशेंट अपनी इंफॉर्मेशन हाइड करे लेकिन अगर उसको ये पता चलेगा कि डॉक्टर को अंदाजा है कि मेरे साथ क्या हुआ, शी विल ओपन अप। तो अगर फर्ज किया आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो, हाँ। तो इसमें आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसा कि हमने पहले कहा था, बी रिलैक्स्ड एंड कंपैशनेट विद द पेशेंट, ठीक है, ये आपने ये रेपो बिल्डिंग वाली सारी चीजें, इस तरह के पेशेंट आपके साथ खुल के बात कर सके, वो आपको एक कंफर्टेबल कंपेनियन समझे और उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो कि आप उसकी कोई बात किसी और तक नहीं पहुंचाएंगे या मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है वो जो मतलब जो कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू हो रही है वो आप दूसरों के साथ डिस्कस करते फिरेंगे। तो ये वाली रेपो बिल्डिंग होनी जरूरी है। नाउ व्हाट यू विल आस्क इन द हिस्ट्री, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाली चीज है कि असेस द ओवरऑल इमोशनल स्टेटस, हाउ शी वॉज हर्ट, हु हैज हर्ट हर, हैज दिस हैपेंड बिफोर, when did it first happen, what else is the type of abuse, यानी इसके अलावा और क्या क्या होता है, कोई गाली गलोच होती है या कोई उसको घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं देता, ये इस तरह के क्वेश्चन। Have she ever been threatened with the weapon and has the weapon ever been used on her, जैसे घरों में वेपन जो होता है वो अमूमन नाइफ या कोई इस तरह की चीजें ही होती हैं या कोई इवन स्टिक वगैरह भी हो सकती है। Have her children ever seen her being threatened or hurt? ये एक बड़ा कॉमन सिनेरियो है कि उसके बच्चों के सामने जो है वो हस्बैंड अपनी बीवियों को मार कुटाई शुरू कर देते हैं। Are there threats of suicide or homicide? क्या आपको पेशेंट के मेंटल स्टेटस से लगता है, उससे बात करके लगता है वो अगर वो इतनी डिप्रेस है कि बस मैं तो अपनी जिंदगी अब खत्म कर लूंगी, इस ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, ये इसका मतलब उसकी suicidal tendency है। Explore their social situation, domestic environment. ठीक है, जहां पे आपने हिस्ट्री नहीं लेनी और जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाली चीज आती है वहां पे ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं, उसमें ये लिखें कि ये चीजें हमने पूछनी है। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ही एग्जामिनेशन आएगा, एग्जामिनेशन में पूरा आपने डिटेल में देखना है कहाँ कहाँ पे जो है वो इंजरी के हैं वो सारा उसको आपने नोटिफाई भी करना है, उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। फिर नेसेसरी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जो उस वक्त उसकी सिचुएशन के मुताबिक, ये पेशेंट प्रेग्नेंट भी हो सकती है, जैसे बार दफा अनवांटेड प्रेगनेंसीज में हस्बैंड कैन बीट देयर वाइफ सो दैट अबॉर्शन अकर्स, वो भी या उनको फोर्स करते हैं कि ये बच्चा जाया करा दो। तो ये चीज है जो कि
हो सकती है उस केस में, तो ये भी आपने अपने जहन में रखना है। तो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट इसमें जो होगी कि डिस्कस द सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन एंड इमीडिएट सेफ्टी नीड्स। हो सकता है उसको लाइफ थ्रेट्स हो, अभी तो वो बच बचा के आ गई, लेकिन हो सकता है वो घर जाए तो वो उसमें लाइफ थ्रेट्स उसके हों। रीइंफोर्स द फैक्ट दैट द पेशेंट इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, पेशेंट को ये ना कहें कि हो सकता है तुम्हारा ही कसूर हो। एम्पावर वुमेन फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी औरतें तशद्दुद सहने पे इसलिए मजबूर होती हैं कि उनके पास गुजारे के लिए और कोई सोर्स नहीं होता, दे कैन नॉट गो बैक टू देयर पेरेंट्स हाउस। ये वो हैं जो रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, और वो मार खाती रहती हैं अपने हस्बैंड से सारी उम्र, वो इसलिए कि उनके पास गुजारा करने के लिए और कोई सोर्स नहीं होता। सो एम्पावर द वुमेन फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सिस, डिस्कस कोर्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स एंड द लॉज अगेंस्ट वायलेंस, उनको बताएं कि ये चीजें हैं आप इस पे, क्योंकि आप ये नहीं कि आप ऑफिस में बैठे हिस्ट्री ले रहे हैं तो फॉरन ठग से आपने हॉटलाइन मिला दी और उसको कहा ये पेशेंट है, विदाउट टेकिंग द पेशेंट इन टू कॉन्फिडेंस, विदाउट इन्वॉल्विंग हर इन टू डिसीजन मेकिंग। ये उसकी कॉन्फिडेंशियली उसकी ऑटोनमी को अफेक्ट करने वाली बात होगी, तो ये आप उसके साथ डिस्कस करेंगे सारा। Treat patient injuries and assess emotional status for the suicidal tendencies, ताकि आप उसकी साइकोथेरेपी करा सकें। ये ना हो कि घर जाके वो अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा ले। और अक्सर आप लोगों ने ये वाक्यात सुने होंगे कि फलाने ने ये इस वजह से खुदकशी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, या दूसरों को मार दिया। These patients can be equally responsible for the for killing the other people. सब्सटेंस अब्यूज, यानी इसमें बाद दफा सुकून आवर दवाइयाँ, बाद दफा हो सकता है पेशेंट ये इन्होंने साइकोथेरेपी वालों ने कोई सेडेटिव्स दिए हों, ओवर यूज ऑफ द सेडेटिव्स, या कोई भी ऐसी चीज जो जैसे स्लीपिंग पिल्स बाद दफा कुछ पेशेंट्स वो ले लेते हैं ज्यादा, तो वो सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है। प्रोवाइड द पेशेंट विद फोन नंबर्स ऑफ रिसोर्स एजेंसी, जो हमने अभी पहले बात कर ली। रिव्यू एंड एग्जिट प्लान, ठीक है, अब उसने कहाँ जाना है, किसी शेल्टर होम में जाना है, या अगर वो कोई ऐसा थ्रेटन फील करती है तो यू हैव टू हेल्प हर टू फाइंड अ प्लेस। इफ शी हैज एन अदर प्लेस, कोई रिलेटिव्स का हाउस है या पेरेंट्स का हाउस है, तो देयर शी कैन गो, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड आउट अ प्लेस, यू हैव टू हेल्प हर टू फाइंड आउट अ प्लेस। प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड द फोटोग्राफ दैट विल बी यूजफुल फॉर द फर्दर कोर्ट रनिंग, या उसमें जो केस अगर वो अपना फाइल करती है तो उसमें उसको हेल्प होगी इनिशियल जो है। पेशेंट सेफ्टी में आ जाएंगी, असेस रिस्क टू द पेशेंट एंड देयर चिल्ड्रन। इफ इट्स अ केस ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, डोंट अज्यूम दैट द पेशेंट वांट्स टू लीव हर पार्टनर इमीडिएटली, जस्ट ऑफर एडवाइस एंड द सपोर्ट। आप ये नहीं कह सकते पेशेंट को कि उससे डाइवोर्स ले लो या उससे अलहदा हो जाओ, क्योंकि ये उसका अपना डिसीजन है। शी कैन जज एंड शी कैन डिसाइड दैट हाउ बैडली शी इज एट थ्रेट ऑफ लाइफ थ्रेट, उसको कितने हैं, तो इसलिए उसको आप सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं और आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज ये उसका अपना डिसीजन होगा। पेशेंट माइट हैव रिस्क फ्रॉम द पार्टनर एंड मे फील हरसेल्फ इन डेंजर, सो रिव्यू बिफोर सेंडिंग हर होम, तो ये भी हमने बात कर ली। रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म, पोटेंशियल हार्मिंग अदर्स बाय द पेशेंट हरसेल्फ, तो ये चीजें हैं जो पेशेंट सेफ्टी में आ जाएंगी। अब दूसरी हम एक्सरसाइज करते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक किसी का जो डोमेस्टिक वायलेंस है। अब इसमें जाहिर है ये तो एक पैटर्न हमने डिस्कस किया ना, लेकिन यूजुअली ये पैटर्न फिट हो जाता है दूसरी फॉर्म्स पे भी, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग में वही, पेशेंट सेफ्टी में वही चीज आएगी। बाकी जहां तक एग्जामिनेशन डिटेल्स हैं वो आपकी रूटीन का एग्जामिनेशन होगा, बिकॉज इन योर सिनेरियो देयर वाज नथिंग ऑन एग्जामिनेशन, बट स्टिल यू हैव टू कंडक्ट अ कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि जनरल फिजिकल और सिस्टमिक दोनों होंगे। पेशेंट मे बी प्रेग्नेंट एंड मे नॉट बी प्रेग्नेंट, तो दोनों सूरतों में थोड़ी सी चीजें जो हैं वो फर्क हो जाएंगी, तो यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली। तो अब इसमें जो एक्सरसाइज टू है वो हमारी है सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, जो कि इन कॉन्टिन्यूटी विद द वायलेंस है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जो कि उसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब इसमें जो स्टेशन आपका आ सकता है, यू आर कॉल्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय योर जूनियर कोलीग्स टू अटेंड एन 18 इयर्स ओल्ड गर्ल हु हैज बीन रेप्ड बाय हर नेबर। यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक अ रेलेवेंट हिस्ट्री, मेक अ सेफ मैनेजमेंट प्लान। तो ये है जो आपने अब उसको बेसिकली आपका रोल प्लेयर आपके पास होगा।
आप जो रोल प्लेयर होता है वो रोल प्लेयर आपको एक्चुअल उस सिचुएशन में ले जाता है, बिकॉज शी माइट बी वीपिंग, शी माइट बी वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड. तो ये सारी चीजें रोल प्लेयर को बताई जाती हैं कि उन्होंने इस तरह से एक्ट करना है. तो उसमें जो कम्युनिकेशन में जो चीज हमारी स्टार्ट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, अब इसमें कम्युनिकेशन और गैदरिंग इंफॉर्मेशन विल बी कंबाइंड टुगेदर. तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो आपकी चीज असेस होगी वो इंट्रोडक्शन है. आप पहले उसके साथ भी रेपो बिल्डिंग वाली चीज है जो हर जगह पे आती है. सेंसिटिव एम्पैथी, एड्रेस इमीडिएट कंसर्न्स, सॉरी अबाउट द सिचुएशन, यू शुड फील सॉरी अबाउट द सिचुएशन एंड जस्ट वेट टू हर. ठीक है, इसको आप उसको कन्वे भी करें कि आपके साथ जो हुआ उस पर मुझे बड़ा अफसोस है. इज देयर समवन विद हर, यू हैव टू मेक श्योर बिकॉज शी इज एन अनमैरिड गर्ल, सो समवन प्रेफरेबली हर मदर शुड बी विद हर. ये माइक जरा प्लीज म्यूट कर दीजिए. टेक परमिशन टू आस्क क्वेश्चंस, और ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी आपने उससे पूछना है विक्टिम से कि क्या मैं आपकी इस सिचुएशन से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ. माइट बी शी इज मेंटली नॉट रेडी टू आंसर एनीथिंग, नॉट रेडी टू टॉक टू एनीवन. तो ये आप उससे पहले कंसेंट लोगे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को एंश्योर करोगे बाय सिटिंग इन अ प्राइवेट प्लेस. और ये आपने उसको इंश्योर करना है कि यहाँ पे कोई आपकी बात कोई दूसरा बंदा नहीं, कोई तीसरा बंदा नहीं सुन रहा, बिकॉज हर मदर वुड बी विद हर अगर वो हो सकती है तो. इंफॉर्मेशन गैदरिंग में वही डेट एंड टाइम ऑफ असॉल्ट, टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, यूज ऑफ कॉन्डम्स, एनी वेपन, थ्रेट, ट्रॉमा, ये सारी चीजें हैं. हैज शी चेंज क्लॉथ्स, ये हमने पहले डिस्कस कर ली. एनीवन एल्स नोज, एनीवन एल्स एट रिस्क, कोई ऐसा बंदा जो जिसको पहले किसी के साथ ये वाक्या हो चुका हो, या कोई ऐसा जिसके साथ ये वाक्या होने वाला हो. बिकॉज कभी होता है कि इसमें ड्यूरिंग दिस एक्ट ये जो बेसिकली जो अब्यूजर होता है वो इस तरह की धमकियां दे भी रहा होता है कि मैं फलाने को ये कर दूंगा या इसको भी मैंने किया, ये सारी चीजें. मेंस्ट्रुअल, अब ऑब्स्टेट्रिक तो इसमें नहीं वैलिड होगी, वो तो मेरिट पे होगी, लेकिन सेक्सुअल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल हिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, ये पहले की हम पास्ट की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर पेशेंट फर्ज किया दिस इज एन अगर ये कोई ओल्ड इंसिडेंट, तो इसमें तो एक फ्रेश इंसिडेंट था, तो इसमें भी जो है वो उसने पहले कोई जब से इसका सागिया असॉल्ट हुआ कोई मेडिसिन यूज की, कोई ड्रग्स यूज की या ना की, या कोई और इसको प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई. हैज शी एवर बीन टू अ डॉक्टर आफ्टर दिस इंसिडेंट. लेकिन चूंकि ये हमारा एक इमीडिएट ये एक्यूट क्राइसिस वाली बात है, तो इसमें भी ये हम पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड पूछेंगे बिफोर द इंसिडेंट्स. वैक्सीन, क्या टेटनस के इंजेक्शन लगे हुए हैं, हेपेटाइटिस के लगे हुए हैं या नहीं. अमूमन जो लो इकोनॉमिक स्टेटस में ये अमूमन ये चीजें बाईपास हो जाती हैं. एलर्जीज, ब्लड ग्रुप, फीलिंग ऑफ सेल्फ हार्म, ये भी उसके साइकोलॉजिकल उससे रिलेटेड होगा. तो मैनेजमेंट में विक्टिम की सेफ गार्डिंग सर्विसेज आती हैं, पुलिस सर्विसेज आ जाती हैं, ये वही रेफरल सिस्टम्स हैं और हॉटलाइंस हैं. एड्रेस एंड ट्रीट इंजरीज, ये आपकी जो है इमीडिएट मैनेजमेंट होगी कि कोई अगर उसके कोई सपोज फ्रैक्चर है या कोई ऐसा वजाइनल ट्रॉमा ऐसा है विच इज ब्लीडिंग हैवीली, या रेक्टल इंजरी है, तो उसको अकॉर्डिंगली आपने देर एंड देन ट्रीट करना है. एसटीआई स्क्रीनिंग एंड एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, आप सैंपल कलेक्शन करते हो सारे, लेकिन एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स ये आपने कर लेना होता है. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज मस्ट. फोरेंसिक एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो, और ये आपने नोटिफाई भी करना होता है, बिकॉज लेटर ऑन देर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट शी माइट फाइल अ केस. और उसमें बाद का पेशेंट अपना माइंड चेंज भी कर लेता है, और उसमें लेटर ऑन जो है वो फिर उसको केस को फाइल करता है. ये बाज दफा ये बड़ा ऐसा होता है कि शुरू में वो कहते हैं नहीं हम किसी को उसके साथ ये शेयर नहीं कर सकते, या लेकिन फिर बाद में उनको होता है कि नहीं ये होना चाहिए. तो फॉर दैट पर्पज एटलीस्ट एवरीथिंग शुड बी कम्प्लीटेड एज रिगार्ड टू द फोरेंसिक एविडेंसेस. पोस्ट एक्सपोजर फॉलो अप आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट एंड री टेस्टिंग फॉर द इन्फेक्शन, कम अज कम 3-4 हफ्ते के बाद इफ द पेशेंट इज कंप्लायंट एंड कैन कम बैक. लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, तो इसी वजह से आप एसटीडीज की सारी ट्रीटमेंट आप उसको दे के भेजते हो. सपोर्ट ग्रुप्स एंड कॉन्टेक्ट नंबर, ये वो पहली नहीं है जिसके साथ ऐसे हुआ, देर आर सो मेनी अदर्स. तो ये सपोर्ट ग्रुप्स कहलाते हैं जो सेम इंसिडेंट के साथ दूसरे लोग होते हैं, उनसे आपको बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलती है. द पेशेंट डजंट फील हरसेल्फ टू बी सोशली स्टिग्माइज्ड,
तो इसमें वो फिर अपने आप को इस तरह से तन्हा नहीं महसूस करते. साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, ये भी सारी चीजें हैं जो कि इसमें बतानी जरूरी होती है. अब पेशेंट सेफ्टी भी इसमें उतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसा पिछले उसमें था. इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, ये तो बहुत जरूरी है फॉर लीगल एविडेंस. इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सपोर्टिव टू द पेशेंट, विक्टिम एश्योर्ड ऑफ हर सेफ्टी, ये हमने पेशेंट को इंश्योर करना है कि वी आर कंसर्न्ड विद हर सेफ्टी. नीड फॉर मेंटल हेल्थ असेसमेंट एंड द सेल्फ हार्म, ये हमने भी असेस करना है क्योंकि बाज दफा कुछ जो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है वो इतना ज्यादा शदीद होता है कि इट कैन रुइन द होल लाइफ ऑफ द विक्टिम. इसमें बाज दफा दे डिनाय द मैरिज लेटर ऑन, या उनमें जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं वो बहुत एट द पीक होते हैं, एंड वो ये सारी चीजें उसमें हो सकती हैं. साइकोलॉजिकल इश्यूज तो रहते ही हैं, एंड दे आर ऑल द टाइम दे आर फीलिंग फ्राइटेंड इफ दे आर सिटिंग अलोन इन अ रूम. तो ये सारी चीजें हैं जो हमें उनकी देखनी पड़ेंगी. कम्युनिकेट दैट हेल्प एंड सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड इफ शी डिसाइड्स टू रजिस्टर कॉम्प्लेन. यानी इसमें एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है केस फाइल करने में ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट वाले पेशेंट्स में, दे हाइड द इंसिडेंट्स. वो इसलिए कि उनको लगता है कि अगर हमने ये किया तो शायद उनका थोड़ा सा सोशली आउटकास्ट हो जाएंगे या उनमें बदनामी होगी, या लेटर ऑन इवन पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि लेटर ऑन मैरिज कैन बी अफेक्टेड, कि हु विल मैरी हर लेटर ऑन. तो ये एक बहुत बड़ी जो है होता है ना कि वो एक इंसेंटिव हो जाता है फॉर द अब्यूजर्स कि कोई केस तो फाइल होगा नहीं, बट सम ब्रेव कैन कम अप विद द कंप्लेंट्स एंड द थिंग्स आर बेसिकली डिसाइडेड, कि उसमें फिर जो उनको पनिशमेंट मिलती है वो उसके हिसाब से फिर ये इसका वो अकॉर्डिंगली वो हो जाता है. बट द पेशेंट हर सेल्फ हैज टू टेक अ ब्रेव स्टेप. तो लेकिन ये है कि उसमें फिर आप ये उसको बता सकते हैं कि इसमें अगर ऐसा वो कोई केस फाइल करना चाहती है तो उसमें उसको पूरी सिक्योरिटी और ये सब की सब चीजें जो हैं ये उसको प्रोवाइड की जाएगी. शी शुड नॉट फील थ्रेटन्ड बाय द अब्यूजर बिकॉज अनलेस शी हैज बीन ही हैज बीन पनिश्ड, जो अब्यूजर है. एक मिनट, हेलो जी, हेलो वसराम जी, नहीं नहीं मैं आ रही हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? हाँ बस ठीक है, जस्ट वेट. अच्छा, तो ये चीजें हैं जो हमने उसको एंश्योर करनी होती हैं, ठीक है. और इसी में जो हमने इसी पेशेंट सेफ्टी में ही है कि हम उसके पूरी एविडेंस इकट्ठे करें ताकि अगर उसको किसी हेल्प की जो है वो जरूरत हो तो वो फिर चीजें जो है वो एविडेंसेस जाया ना हो जाए. तो ये सारी चीजें हैं जो हमने करनी होती हैं. और इसके अलावा सारी जो हमने डॉक्यूमेंटेशन है और जो पूरी कभी किसी ने अगर फोरेंसिक एविडेंस अगर किया हो कभी इस तरह का केस, तो उसमें पूरी डायग्राम बनी होती है उस पे जिसपे आपने इस तरह के केसेस के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है. सो हियर वी एंड विद दिस प्रेजेंटेशन. तो सो फार हमने दो डिफरेंट तरह के स्टेशन डिस्कस कर लिए कि इसमें जो है वो अगर फर्ज किया ये ऐसा कोई स्टेशन आता है, हो सकता है वो डिफरेंट सिनेरियो के साथ हो बट द बेसिक पैटर्न वुड बी द सेम. तो इसमें आपने इन्हीं चार स्किल्स के साथ जो आपकी असेस की जाती हैं, ये चार स्किल्स हर स्टेशन पे असेस की जाती हैं, तो इन स्किल्स के साथ आपने इसको आंसर कैसे करना है. और जहां पे हिस्ट्री टेकिंग है वहां पे कम्युनिकेशन स्किल आपकी साथ के साथ असेस हो रही होती है कि आप उससे बात कैसे कर रहे हो, क्योंकि रोल प्लेयर जो है वो आपको बार दफा वाकई सही उस तरह का विक्टिम बन के दिखाता है. तो ये आपको जो है ये प्रैक्टिस करने की इसमें जरूरत है. तो अभी कोई इस वक्त कोई क्वेश्चन सो फार जो है वो अगर है तो हम इसको देख लेते हैं. मैडम इस पे जो हम सैंपल लेंगे पेशेंट के से सैंपल उससे मतलब लाइक क्लॉथ से, तो ये हम लोग खुद लेंगे या फॉरेंसिक वालों को इन्वॉल्व करके मतलब वो लेंगे? बार दफा हमारे पास उस तरह मेडिको लीगल सर्जन नहीं होते, बार सेटअप्स में नहीं होते. एंड समटाइम्स जो अमूमन जो हॉस्पिटल्स का जो सीनेरियो होता है कि कोई ना कोई मेडिको लीगल एमओ होता है, तो अगर मेडिको लीगल एमओ हो तो प्रेफरेबली वो, क्योंकि हमारे जो आम एमओस या आम जो बाकी लोग होते हैं वो ट्रेंड नहीं होते इसमें कि हाउ टू टेक सैंपल. इसीलिए इसकी ट्रेनिंग हर एक को दी जाती है.
सपोज पेशेंट ने नहीं भी केस फाइल, वो पुलिस केस नहीं भी है, फिर भी आप उसके सैंपल जरूर लें। और अगर आपके पास अगर फोरेंसिक मेडिसिन वाला या फर्ज किया मेडिकल लीगल ऑफिसर मौजूद है आपके हॉस्पिटल में, तो वो उस बंदे को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि एग्जैक्टली कैसे सैंपल लेने हैं। और इसको कोशिश करनी चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द इंसिडेंट, लेकिन मैक्सिमम आप 72 आवर्स तक इन सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें वेस्ट हुए बगैर। लेकिन ये भी तभी होगा, अब 72 आवर्स में ऐसा तो नहीं हो सकता पेशेंट ने कपड़े भी चेंज ना किए हो, पेशेंट ने खाया पिया भी ना हो, ये सब चीजें। तो इसलिए ये जितना इमीडिएटली आफ्टर द होता है ये इंसिडेंट, वो उतना ही बेहतर होता है। लेकिन मिनिमम जो आप ले सकते हैं वो कम अज कम जो वेजाइनल स्वैब्स हैं वो ले सकते हैं। तो उसमें स्पर्म डिटेक्शन ये सब चीजें, आप उसके सारा हाइमन वगैरह का एग्जामिनेशन, ये सब चीजें हैं जो आपने। अब क्रॉनिक असॉल्ट एंड द जो एक्यूट असॉल्ट है उसमें बिल्कुल फर्क चीजें होती हैं। उसकी आप अगर उसका विजाइनल एग्जामिनेशन करें तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि वेदर दिस इज अ क्रॉनिक इंसिडेंट और एन एक्यूट इंसिडेंट। तो लेकिन बाकी जितने सैंपल्स होते हैं वो यूरिन का, बकस, ये सब चीजें, तो ये सारी चीजें जो है वो इकट्ठी एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द इंसिडेंट। बाद में तो सिर्फ वेजाइनल स्वैब्स ही रह जाएंगे जो आप कर सकते हैं, या फिर अगर पेशेंट ने कपड़े बदल लिए, बाथ ले लिया, तो कम से कम उन कपड़ों को, वो कपड़े भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होते हैं, तो वो आपने फिर उस कस्टडी में रखने होते हैं। आप लेके उसको कलेक्ट कर लें, उसका सारा पूरा टैग लगा के उसको करके, सो दैट इफ द पेशेंट चेंज हर माइंड लेटर ऑन टू के फाइल अ केस, तो कम अज कम ये सारी चीजें आपने प्री हैंड की हुई हो, वरना उससे डिसीजन में बहुत बार दफा अच्छे खासे मुजरिम जो होते हैं वो बच जाते हैं इन चीजों के ड्यू टू पोर एविडेंस। ठीक है मैडम, एक करके बोले क्योंकि मुझे सबकी आवाज समझ नहीं आएगी, एक एक करके बोलिए मैडम जी। मैडम ये इसका पूछना था कि ये हमारे पास नेट अवेलेबल है पाकिस्तान में? हाँ जी अवेलेबल होता है, कुछ कुछ इसमें ये जो लैब्स हैं हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। बेसिकली दिस रिजेंबल्स द पीसीआर, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट होता है और एम्पलीफाइंग हम पीसीआर में भी कर रहे होते हैं, तो ये अवेलेबल होता है। इसलिए नाट टेस्ट जो है वो आपने इसका मेंशन करना है, यही होता है जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि उसमें जो है वो खासतौर पे क्लमिडिया गोनोरिया ये सब चीजें जो है इनमें ये पॉजिटिव है या नहीं। ज्यादातर तो यही चीजें होती हैं, ट्राइकोमोनास अगर हो वो भी हो सकता है, दैट इज वन फॉर्म ऑफ द सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो तो आप हाई विजाइनल स्वैब से भी आपको पता चल जाएगा। देखो इंक्यूबेशन पीरियड अमूमन 3 to 4 weeks होता है, लेकिन आप इमीडिएटली भी ले सकते हो और उसको बाद में भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अमूमन पेशेंट हमारे पास नहीं आता, तो बिल्कुल इमीडिएटली जो हम सैंपल लेते हैं उसमें ये कि अगर कोई क्रॉनिक केस है तो वो कम से कम उसमें हमें पता चल जाएगा, वरना इनक्यूबेशन पीरियड आप उसको बताते हो पेशेंट को कि इतने 3 हफ्ते के बाद आपने आना है, तो फिर आप उसमें जो है वो उसका टेस्ट लेके दोबारा तो भेजते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा ही देखा गया है कि वो पेशेंट अमूमन बाद में नहीं आते, अनलेस के उन्होंने उस केस को लिंगर ऑन करना हो, फॉलो अप करना हो, ये सब चीजें। ठीक है तो चलो अब हम यहाँ पे मैम अगर मैम जैसे पेशेंट अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है उसमें अगर पेशेंट प्रेगनेंसी के साथ है तो उसमें मैम उसका जो स्पेशल ऑप्स केयर के बारे में हमने कुछ स्पेशल कुछ पॉइंट्स बतानी है। ऑब्स्टेट्रिक केयर तो देखो इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस हो या सेक्सुअल असॉल्ट हो उसको इमीडिएट केयर प्रोवाइड करना आपके मैनेजमेंट का पहला हिस्सा होता है। यानी अगर पेशेंट को सपोज शी इज हैविंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू बीइंग हिटन आफ्टर बाय हर हस्बैंड, तो उसमें आपने ये देखना है कि इस हर बेबी सेफ, या कोई प्लेसेंटल अब्रप्शन तो नहीं है या प्रीटर्म लेबर तो नहीं शुरू हुई है। ऐसे केसेस को फिर आप एडमिट करके उसको जो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है वो देते हैं, आप उसको डायग्नोस करेंगे कि उसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो उसको उस तरह की सारी ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड करना, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी केयर प्रोवाइड करना, वो बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। रेप के केस में मैडम अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम उसको टर्मिनेशन की ऑफर दे सकते हैं उसको?
देखो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि जो एक अनमैरिड गर्ल जो है वो अगर रेप हुई, अब डिपेंड करता है क्यूट या क्रॉनिक, मे बी समवन इज थ्रेटनिंग हर एंड हैविंग दिस असॉल्ट, शी हैज बीन एक्सपोज टू दिस असॉल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इफ उसमें जो है वो डेफिनेटली देर आर चांसेस ऑफ हर बीइंग प्रेग्नेंट, क्योंकि जो और इसीलिए जो है वो आपकी इनिशियल टेस्टिंग में अगर कोई क्रॉनिक सेक्सुअल असॉल्ट वाला केस आता है तो आप प्रेगनेंसी को सबसे पहले रूल आउट करते हो. अब सपोज इन अ केस शी हैज बिकम प्रेग्नेंट, अब प्रेगनेंसी के लिए आपका जो लॉ है इन एनी केस आपको इजाजत नहीं देता कि आप इसको अबॉर्ट कर दें, मतलब वंस द फीटल वो जो उसकी कार्डियक एक्टिविटी और सारा कुछ जो उसको 12 वीक्स तक का टाइम पीरियड होता है तो वो लॉ आपको इजाजत नहीं देता. तो लेकिन ये है कि उसमें कुछ लोग जो हैं वो आउट ऑफ द लॉ जाके इलीगल तरीके से भी इसको टर्मिनेट कर देते हैं. और लेकिन इसमें फिर आपकी जो कम्युनिकेशन होगी विद द फैमिली मेंबर्स विद द पेशेंट, ये फिर आपके लिए बड़ी जरूरी होगी, क्योंकि जो एक्यूट इंसिडेंट होता है उसमें इतना मसला इसलिए नहीं होता कि आप उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दे देते हो. तो आपने उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जब दे दी तो फिर उसमें तो चांसेस बहुत कम रह जाते हैं कि ये पेशेंट प्रेग्नेंट हो. सिर्फ क्रॉनिक केसेस में ही मसला होगा कि उसमें लेकिन क्रॉनिक केसेस वाले प्रोबेबली केसेस जरा कम ही आ सकते हैं स्टेशन पे, उसमें तो एक्यूट या फिर हो सकता है वर्बल हरेसमेंट फॉलोड बाय द सेक्सुअल असॉल्ट. तो ये जो है ये इसमें फिर वो होगा. लेकिन ये दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कि ऐसे केसेस में जहाँ पे इलीगल प्रेगनेंसी या अनवांटेड प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ रेप अगर हो तो उसमें हमारा कानून इजाजत देता है टर्मिनेट करने का या नहीं देता. इस्लामिक लॉ तो इसकी इजाजत नहीं देता, हमारा जो जुडिशियल लॉ है वो भी इसकी इजाजत नहीं देता. तो यू हैव टू टॉक व्हाट योर लॉ अलाउज. बीच में आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से बताइए. मैम रेप विक्टिम में जैसे आपने बताया था ना कि माइनर इफ लेस देन 18 है तो उसपे क्या पेनल होगा, या अगर ग्रेटर देन माइनर का जो रेप होता है उसकी सजा ज्यादा सख्त होती है पेनल कोड के मुताबिक, उसकी सजा ज्यादा सख्त होती है. अब दूसरी चीज ये है कि समटाइम्स दिस अब सेक्सुअल असॉल्ट जब हम बात करते हैं तो अमूमन दैट इज बाय फोर्स, दैट इज बाय अगेंस्ट द विल ऑफ द फीमेल पार्टनर. लेकिन बाज दफा ऐसे भी होता है कि किसी दुश्मनी में या किसी कॉन्फ्लिक्ट में आके इवन द पीपल हु आर डूइंग इट विद ड्यूल कंसेंट वो भी आके तो केस फाइल करना शुरू हो जाते हैं कि ये ऐसे हो रहा है मेरे साथ और इस तरह से हो रहा है. तो ये सारी चीजें जो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती हैं सिचुएशन को, तो इस वजह से इसमें ये सारे एंगल से भी देखना पड़ता है. बट माइनर में अमूमन किसी की ड्यूल म्यूचुअल कंसेंट नहीं होती, तो माइनर केसेस में जब ये सेक्सुअल असॉल्ट वाली जो चीज होती है वो पीनल कोड के मुताबिक ज्यादा सख्त सजाएं होती हैं उसमें. एग्जैक्ट उसमें जो पनिशमेंट है दैट यू हैव टू लुक इनटू दैट, क्योंकि उसके उसकी डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी डिटेल आप देख सकते हो. ठीक है, उसमें आपको जाहिर है आप उसमें जाके नेट पे जाके तो इसको जरा देख सकते हो. लेकिन ये है कि इसमें माइनर के लिए ज्यादा बड़ी पनिशमेंट होती है. मैम अगर सेक्सुअल असॉल्ट में उसकी फैमिली या पेशेंट पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर रही, नहीं करना चाहती, तो फिर फॉरेंसिक हम सैंपल लेते हैं या नहीं लेते? देखो यही मैंने बात अभी पहले बताई थी कि सैंपल लेने का मकसद एक तो ये है कि उस वक्त पेशेंट ने कहा कि मैंने तो करना ही करना है केस फाइल. लेकिन बाद दफा जो एक्यूट इंसिडेंट होता है पेशेंट और उसके घर वाले ये कहते हैं कि हम इसको नहीं, वी विल नॉट कम इन टू द पिक्चर, हमारी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी या बदनाम हो जाएगी या ये हो जाएगा वो, बट स्टिल यू हैव टू टेक सैंपल बिकॉज इफ दे चेंज देयर माइंड लेटर ऑन. तो आपने तो सैंपल अगर कलेक्ट नहीं किए होंगे तो वो फॉरेंसिक एविडेंस तो खत्म हो जाएगा वहीं पे ही, और ये केस फिर आगे चल ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट तो सिर्फ एविडेंस की बात पे यकीन करती है, वर्बल बातों पे नहीं करती. तो उस एविडेंस के लिए अब भले उसको कुछ अरसे के बाद जाया कर दें, मतलब अब जाहिर है वो 72 आवर्स तक ही ज्यादा वो होता है उसके लिए, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टेकन, यू हैव डॉक्यूमेंटेड अप्रोप्रिएटली, तो आप उसको जो पेशेंट अगर बाद में आती है तो एटलीस्ट यू हैव प्रिजर्व दोस सैंपल. बाकी जो आपने जो एसटीडीज के लिए लिया वो तो पेशेंट की अपनी हेल्थ के लिए है,
जो उसमें जो उसके लिए जो सेक्सुअल असॉल्ट को साबित करने के लिए आपने सैंपल लिए थे वो दूसरे सैंपल थे। तो ये बाकी जो एसटीडीज के लिए या हाई वेजाइनल स्वैब है उसमें भी ये सारी चीजें जो है वो पेशेंट को के इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए भी ये होते हैं। तो उसका मकसद सिर्फ यही नहीं होता मैम, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की ऑप्शन जो है वो आईयूसीडी होगी या पिल देते हैं? अनमैरिड में तो ज़रा आप आईयूसीडी नहीं रखोगे, दो दैट इज द बेस्ट, ठीक है, उसमें बहुत वो होता है, प्रोटेक्शन बहुत परफेक्ट होती है। वो आप मैरिड कपल्स में जो है वो वाली चीज कर सकते हो, बट अनमैरिड में जो है वो आपने हार्मोनल प्रिपरेशन ही देनी है, ठीक है, उसमें हार्मोनल अगर उसकी ओविलेशन आ जाती है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन मैम फिर उसको वो बताना भी पड़ेगा ना, वो प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर ले नेक्स्ट मंथ, वो मिस हो जाता है, वो तो हमने पहले ही करने हैं, क्योंकि एक्यूट वो वही मैं बात जो बार बार कर रही हूँ, आपने ये देखना है ये एक्यूट है या क्रॉनिक है। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी के डराने धमकाने से शी हैज बीन सब्जेक्टेड टू दैट टॉर्चर फॉर मे बी फॉर फ्यू वीक्स या फॉर फ्यू मंथ्स एंड नाउ शी हैज कम टू द सर्फेस के अपनी ये कंप्लेन लेके जब उसको मौका मिला तो इसलिए जो है वो ये दोनों चीजें हर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये आप चीजें आप प्रेगनेंसी को हमेशा रूल आउट करते हो एक्सेप्ट के जिसका फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हुआ एंड शी कम्स इमीडिएटली लेटर ऑन, उसमें तो जाहिर है, और लेकिन वो भी उस वक्त जबकि वो इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट आए, ये नहीं कि कुछ टाइम पीरियड के बाद। हमें उसके एलएमपी के हिसाब से भी जरा चीजों को देख लेना चाहिए, उसका एलएमपी कब हुआ उसके हिसाब से भी हमें काफी चीजें पता चल जाती है। मैम अगर वो अनमैरिड जी मैम ये इस तरह का सिचुएशन तो नहीं होगा कि आप सैंपल्स भी लेकर दिखाएं और कैसे फॉरेंसिक सैंपल कलेक्ट करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि वो बेसिकली तो फॉरेंसिक मेडिसिन वालों, आपने तो ये मेंशन करना है, आपने ये शो करना है कि यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, आपने ये चाहे खुद लें सैंपल चाहे किसी और से वो लेने को कहें, लेकिन आपको पता है, आपको नॉलेज है कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें ये करना होता है, या जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी होती है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, पेशेंट सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी होती है। तो ये आपने करना है, अपना वो नॉलेज आपने एग्जामिनर को बताना होता है। मैम अक्यूट और क्रॉनिक की मैनेजमेंट में क्या फर्क होगा? देखो उसमें जो क्रॉनिक है ना उसमें प्रेगनेंसी को रूल आउट करो, एसटीडीज की प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट दोनों में से, ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब यही चीज जो है ये हो सकता है किसी ऑफिस में काम करने वाली लड़की का भी आपको कोई केस आ जाए कि उसका जो बॉस है या वो कुछ इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है कि शी हैज बीन वर्बली हरेस्ड फॉर सो मेनी वीक्स एंड नाउ, अब ये जरूरी नहीं होता कि सेक्सुअल असॉल्ट एक एक्चुअल जो है रेप केस हो, अब ये भी हो सकता है कि वो वर्बल हरेसमेंट की एंड और वन डे बैक हर बॉस Try to touch her. ये भी एक sexual assault, ये भी होता है, ये भी उसकी एक form है। तो ये सारी चीजें उसको आपने, उसमें तो कोई sample लेने वाली बात नहीं है, उसमें तो आपने history लेनी है, आपने उसको refer करना है, आपने उसके साथ communicate करना है, आपने उसको harassment center जो बने होते हैं वो होता है। और ये भी हो सकता है कि कोई किसी को साइबर क्राइम्स में कोई इन्वॉल्व है, कोई किसी की वीडियो या कुछ ऐसी चीजें जो है वो उस पर शेयर कर रहा है इंटरनेट पे मीडिया पे, वो भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक चीज है, सेक्सुअल असॉल्ट की वो भी एक चीज आ जाती है। सो देयर आर 101 केस टू प्रेजेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द केस। यस मैम, एक क्वेश्चन करना था कि अगर 18 इयर्स की मतलब लड़की के साथ जो है रेप हो गया अनमैरिड और वो 16 डे पे आई है अपने साइकिल के, तो उसकी तो ओव्यूलेशन हो चुकी है, तो फिर तो हम उसको लिवोनोर्जेस्ट्रल नहीं दे सकते, तो कॉपर आईयूसीडी देंगे? क्यों नहीं दे सकते? देखो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ठीक है, अगर फर्ज किया वो ओव्यूलेशन डे पे ही आ गई, तो ओव्यूलेशन डे पे आ गई तो आपने अगर उसको इमीडिएटली प्रोवाइड कर दी है तो उसमें इट विल वर्क दो लेटर ऑन यू स्टिल हैव टू रूल आउट द प्रेगनेंसी। अब देखो एक अनमैरिड लड़की में आप आईयूसीडी कैसे रखोगे? आईयूसीडी अगर चेक परफेक्ट मेथड है,
लेकर we will balance the risk of pregnancy and putting an IUCD inside her. Like she is coming on 16 post ovulatory day. तो मतलब वो तो ovulation उसकी हो चुकी है, लेकिन all भी उसको नहीं करेगा. Ovulation बेशक होगी, लेकिन अभी देखो, अभी तो अभी ये जो है जो जो है contraceptive methods हैं. How these act? एक तो ovulation को करके suppress करके, ठीक है, ovulation को ये prevent करते हैं. मोर ओवर ये इम्प्लांटेशन को भी अफेक्ट करते हैं, खास तौर पे अगर आप खाली प्रोजेस्टेरोन को दो, लोडिंग डोज दो, ठीक है, इम्प्लांटेशन भी उसमें इफेक्ट होगी. तो इसमें मतलब ये इस तरह की चीज तो है वो, उसमें प्रोजेस्टेरोन ये डिलीवर नॉट जेस्ट्रोल आप देते हो ना, तो उसमें वो उसको भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि उसका काम से ओवुलेशन इज जस्ट वन मैकेनिज्म बाय विच यू कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी. तो इसलिए जो है वो उसमें emergency contraceptive in form of hormonal contraceptives. और IUCD, अब देखो IUCD ये तो हो सकता है कि अब जाहिर है she has hymen rupture, ये सारा कुछ हो गया, तो उसमें for just for one cycle उसमें ये एक possibility होती है, लेकिन उसमें फिर आपने long term उसको नहीं करना. तो just if अगर आपको ये है कि short short है कि ये बिल्कुल उस time पे हुआ कि जिसमें risk of pregnancy is quite high, ovulation भी हो गई, sperms भी चले गए, अब उसमें fertilization होती और probably ये है, तो उसमें इसी हद तक उसका रोल आ जाता है, but just for one cycle. मैडम इस तरह के केसेस भी देखे गए हैं कि chronic rape के केस में अगर वो प्रेगनेंट हो जाती है और हाइड करती है घर वालों से या ऐसा, तो वो थर्ड ट्राइमेस्टर तक पहुंच जाती है और अपनी अगर वो ऑब्स्टेट्रिक केयर पूछे और ये हेल्प लाइन से ये बकायदा आपको वो बताते हैं कि कहाँ पे इसको लुक आफ्टर किया जाए. अब देखो अगर ये फर्ज किया वो पेशेंट ऐसी है जो टोटली अनअवेयर है और उसको नहीं पता कि इसमें प्रेगनेंसी भी हो जाती है या इस तरह की चीजें, और वो प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर तक पहुंचती है और तब उसको पता चलता है, तो डेफिनेटली वहां पे डिलीवरी आप टर्म पे करो या प्री टर्म करो. टर्म पे कर देना, जाहिर है प्री टर्म करने का तो कोई उस तरह से आप डायरेक्टली जस्टिफिकेशन, कोई एथिकल या मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, तो टर्म पे डिलीवर करके तो उसमें फिर जो है वो फिर शी कैन डोनेट हर बेबी, जहाँ बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे डोनेट किया जा सकता. मैडम ये मेरा जो क्वेश्चन है तो लेकिन ये वो हैं जो बेसिकली जो हमारे कल्चर लॉज और सोसाइटियल नॉर्म्स के मुताबिक हमें डिसाइड करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स ओन फैमिली सिनेरियोस. ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी का पता चले और उसके घर वाले उसको मार भी दें, ये जो ऑनर किलिंग वाली चीज होती है, ये ऐसा भी होता है. देयर द सेफ्टी इश्यूज कम नॉट ओनली फ्रॉम द अब्यूजर बट ऑल्सो फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हमारे सोसाइटियल नॉर्म्स ऐसे हैं जो ऐसी जो मतलब इसमें जो बहुत ज्यादा जो कि इसमें इस एंड तक ले जाते हैं, तो वहां पे भी आपको फिर थोड़ा सा पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज देखने पड़ेंगे. लेकिन मैम जब हम कहते हैं कि हमारे लॉज इजाजत नहीं देते ये बच्चा जाया करने की, लाइफ की अगर जाया करने प्रेग्नेंट होके आ जाती है, तो फिर वो अगर वो कहती है कि फिर तो मुझे घर वाले मार देंगे या वो खुद ही खुदकुशी कर लेती है, फिर आप हेल्पलाइन, फिर आप हेल्पलाइन से फिर आप उसकी सपोर्ट मांग सकते हो. बिकॉज देखो फिर जो स्टेट होती है वो फिर इस तरह के स्पेशली इन द केसेस वेयर द सेक्सुअल असॉल्ट, क्रॉनिक सेक्सुअल असॉल्ट वाज विदाउट हर कंसेंट, देन शी कैन फाइल अ केस एंड देन शी कैन बी प्रोवाइडेड अ सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. क्योंकि देखो जो ड्यूअल कंसेंट के साथ है वहां तो फिर आपकी रजामंदी से ही हुआ, फिर उसमें कैसी शिकायत, फिर तो वो खुद अपनी उसकी जिम्मेदार है. असॉल्ट तो हम तब उसको कहेंगे ना जब उसकी विदाउट हर कंसेंट हुआ, जो कि बाय फोर्स हुआ, वहां पे वो विक्टिमाइज हुई है. विक्टिमाइज जो पर्सन होता है उसको स्टेट प्रोटेक्शन देती है बाय लॉ, और जो हॉटलाइंस हैं वहां पे वो अपनी सपोर्ट मांग सकती है. वहां पे सपोर्ट सेंटर्स होते हैं, शेल्टर होम्स होते हैं जहां पे के उसको रखा जा सकता है. जैसे ट्राइबल कल्चर्स होते हैं या कल्चरल नॉर्म्स उसके रहते हैं कि वहां पे वो उसको अपनी लाइफ थ्रेट्स हैं, तो वो ये चीज शेयर कर सकती है अपने काउंसलर के साथ या बाकी जो हेल्पलाइन पे वो ये चीज शेयर कर सकती है, एंड शी कैन बी प्रोवाइडेड विद द सपोर्ट. वो जो उसकी प्रोटेक्शन है उसके लिए वो चीजें सपोर्ट की जा सकती है. ठीक है.
अब चूंकि इस तरह के सिनेरियो में हम लोग कम ही पढ़ते हैं, इस तरह की चीजों में वो थोड़ा सा जरा हमारा इंटरेक्शन जरा कम ही होता है, तो इस वजह से हमें बहुत सारे इसके जो इनसाइट्स हैं वो पता नहीं है। तो लेकिन इसमें जैसे बहुत सारे केसेस में जो हमारे पास आते भी हैं वो ज्यादातर ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन या जैसे गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, और उसमें फिर अल्टीमेटली पता चलता है कि ये प्रॉब्लम था। आई कैन रिकॉल अ फ्यू, लेकिन यह है कि यहाँ तक पहुंचना कि उसमें लाइफ थ्रेट या उसको कोई हेल्पलाइन या उसके शेल्टर होम्स वाली चीजें, ये तो अभी बिल भी पास अभी हुआ, अभी तो पिछले साल की बात है, और उसमें जो हेल्पलाइंस हैं वो भी कि पिछले एक दो सालों से, मेरा ख्याल है 2018 में ये हेल्पलाइंस बनी थी, तो ये जो है ये सारी चीजें अभी हुई हैं, इससे पहले तो कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। तो लॉ मौजूद थे लेकिन लॉ को किस तरह से अप्लाई करना है ये वाली चीजें जरा कम थी। और उसमें ये भी चीज है कि बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं वो तो उनको तो पता भी नहीं होता कि इसमें जो है वो कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, चलिए अब मेरा ख्याल है अब हम इसको जरा एंड करें। मैडम मेरा जरा एक क्वेश्चन जरा आप प्लीज सुन ले, मुझे जरा इसमें कंफ्यूजन है मैम। ये जो हम आपने कहा कि मतलब वो तो अनमैरिड लड़की, तो हम कॉपरेटिव कैसे रखेंगे? हाय मैम क्या तो मैम वो तो ऑलरेडी उसको मैं वो अगर तो अनमैरिड लड़की है और उसका एक्यूट हुआ है acute. जैसे इन्होंने के हमारे साथ वो एक जी, वो बड़ी वैलिड क्वेश्चन था कि उसके बाद जो वो है हुआ और उसमें हमने कैसे करनी है, क्योंकि ओवुलेशन तो हो चुकी है, वो जो हमने देने की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वो तो ओवुलेशन को सप्रेस करने वाला काम तो बाईपास हो गया, तो माइट बी फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन हम जो हाई डोज प्रोजेस्टोजन देते हैं, लिवर नॉट जेस्ट्रल जो देते हैं, that can prevent the implantation as well by acting on to the endometrium. Madam, iska jo mode of action hai, madam, iska jo mode of action likha hai book mein, that is just that it will work by inhibiting the ovulation. लेकिन जहाँ पे प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हैं उसमें दो तीन उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाते हैं, बट द 100% गारंटी विल बी प्रोवाइडेड बाय IUCD। अब उसमें ये है कि अनमेरिड लड़की, अनमेरिड में अमूमन हम नहीं रखते, बट फॉर शॉर्ट टर्म यानी जस्ट फॉर दिस वन साइकिल जिसमें उसका असॉल्ट हुआ और ओवुलेशन के बाद हुआ, देयर एज देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दिस अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, ये चीज आप शेयर करके तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं या पेशेंट के साथ भी शेयर करके फॉर दैट टाइम पीरियड आप उसको ये इंसर्ट कर सकते हैं, आप उसने लॉन्ग टर्म इसमें नहीं रखना। यही वजह है कि अनमैरिड सॉरी ये जो इवन नली पैरास भी जो होती हैं उनमें भी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आप IUCD को प्रेफर नहीं करते। लेकिन चूंकि इसमें हाइमन वो वही बात होगी कि इसमें जो है वो सर्विक्स तो वही होगी, चाहे वो नली पैरा है चाहे वो सर्विक्स की एक जैसी शेप होगी, तो उसमें ये है कि चूंकि हम हाइमन की इंटेग्रिटी को इफेक्ट नहीं करना चाहते, सो इफ द हाइमन इज रप्चर्ड ऑलरेडी तो उसमें जो है वो फिर उसमें रखी जा सकती है, बट आफ्टर टॉकिंग विद द पेशेंट एंड हर कंपेनियन। ठीक है, ये फिर आपने उसके साथ जो है वो उसके साथ डिस्कस करके करना है कि ये सिर्फ हम कुछ दिनों के लिए, यानी जब नेक्स्ट पीरियड आएंगे तो आप उसको निकाल भी दोगे। मैडम जो आपने कहा कि नली पेरियस डालना मुश्किल होता है ना, मतलब जिनकी एनवीडी नहीं होती है जो नली पेरियस होती है इनमें ये IUCD रखना मुश्किल डालना मुश्किल होता है, डालना डेफिनेटली मुश्किल होता है, लेकिन उसमें अगर इतना चांस है अनइंटेंडेड, देखो जो प्रेगनेंसी का इसमें आप देखो बाद में सर्वाइकल राइपनिंग के लिए आप करते हो ना, तो सर्वाइकल राइपनिंग के लिए जो अब ऐसा भी नहीं है कि नली पैरा में कभी भी किसी ने IUCD ना रखी हो, रखी जाती है, थोड़ा सा मुश्किल टेक्निकली जरूर होता है, लेकिन सर्विक्स को डायलेट करने के लिए आप उसको प्री मेडिकेशन भी दे सकते हो, मतलब उसको थोड़ा सा राइप करके उसको दे सकते हैं, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है जो आपने सिनेरियो बेस्ड इंडिविजुअलाइज कर लिया, ये इंडिविजुअलाइजेशन होती है, दो नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन, लेकिन आपने एक इंडिविजुअल केस के लिए उसको मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, अब मेरा ख्याल है हम बंद करें, काफी टाइम हो गया, तो अब नेक्स्ट सैटरडे से फिर हम क्लिनिकल सिनेरियोज ही डिस्कस कर लिया करें। लेकिन मैम ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव था, ये हमें समझ नहीं आता था कि ये इम्पोर्टेंट भी है और ये मुश्किल भी है, मतलब ये अमूमन इसका कंसेप्ट डेवलप नहीं होता,
तो ये हर यही वजह है कि ये इनको एग्जाम्स में इसलिए भी रखा जाता है कि हर गायनेकोलॉजिस्ट को इसकी अवेयरनेस हो जाए, ये बहुत जरूरी होता है। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी आज की टॉक थी ये बहुत इंपॉर्टेंट इस सिलसिले में थी कि ये जो है ये हमें अमूमन इसको टैकल करना नहीं आता, केस सिनेरियोज को तो हम टैकल कर देते हैं। तो अब हम जो है वो केस सिनेरियोज को डिस्कस करने। मैडम आपने वो रिसर्च अप्रेजल का टॉपिक कहीं लिया था, रिसर्च अप्रेजल का किसका मैम, वो आपने कहा था जो